ये बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप देसी घी लिया है। फ्लेम को हम लो रखेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैदे को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है क्योंकि मैदा बहुत जल्दी जलने लगता है। मैदा को भूनते हुए मुझे लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अब ये भून गया है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे अभी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम बर्फ़ी के लिए चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, और जितनी हमने चीनी लिया उसका आधा हमें पानी लेना है, तो 1/4 कप इसमें हम पानी डाल देंगे। फ्लेम को अभी मैंने मीडियम रखा है। चाशनी हमें एक तार की बनानी है, तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। चाशनी को पकाते हुए मुझे लगभग 2 मिनट हो गया है। चीनी अब अच्छे से घुल गई है, तो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, ये भी हम चाशनी में डाल देंगे। अब हम चाशनी में 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट एकदम मावा वाला आएगा। जो भी इस मैदा की बर्फ़ी को खाएगा उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये मावा से बनी है या मैदा से बनी है। अब मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे चाशनी में। फ्लेम को हमने लो कर दिया है। यहाँ पर चाशनी मैंने एक तार की ली है। अच्छे से मिल्क पाउडर को चाशनी में चलाते हुए मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हमने जो मैदा भूनकर तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैदे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्स को हम लगभग 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट बाद हमारा जो मिक्स है ये पैन छोड़ने लगा है। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और इस मिक्स को हम लगभग 20 से 30 सेकंड और चला लेंगे। तो अब हम बर्फ़ी को सेट करेंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रे ले ली है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई प्लेट भी ले सकते हैं। इसमें हम घी लगा लेंगे। घी को अच्छे से हमें चारों साइड लगाना है। और अब मेरे पास यहाँ पर बटर पेपर है, तो वो भी मैं इसमें लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली ट्रे को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ। अब हमने जो बर्फ़ी का मिक्स रेडी किया है उसे हम ट्रे में फैला लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। बर्फ़ी के मिक्स को हमने स्मूथ अच्छे से कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे टेबल टॉप पे आप ऐसे ही ठंडा होने दें। तो ये देखिए लगभग 1 घंटे हमारी बर्फ़ी को रखे हुए हो गए हैं और अभी अच्छे से सेट हो गई है। तो इस पे हमने यहाँ पर ये चांदी का वर्क लगा लिया है ताकि हमारी बर्फ़ी थोड़ी सी और सुंदर दिखे। चांदी का वर्क लगाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तभी लगाएँ। तो चलिए फिर अब बर्फ़ी को कट कर लेते हैं। तो चलिए अब बर्फ़ी को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए देखने में कितनी सुंदर दिख रही है बर्फ़ी, खाने में भी बहुत यम्मी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।